वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ योर सब्जेक्ट हिंदी पल्स। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 7 एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 8 दैट इज ईद उल फितर। स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट सेशन में पार्ट 7 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको पार्ट 8 की रीडिंग भी कंप्लीट करा दी थी। आज के सेशन में हम पहले पार्ट 7 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पार्ट 8 की एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू रेडी स्टूडेंट्स? प्रश्न 5 तक हमने कंप्लीट किया था जो कि शब्दार्थ और एक्सरसाइजेस थी। प्रश्न 6 में स्टूडेंट्स हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके हमें उत्तर लिखने हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 से ही रिलेटेड है। क्लियर? प्रश्न का, किसान के पास कितने बैल थे उनके नाम लिखो। किसान के पास कितने बैल थे, सबने चैप्टर की रीडिंग की है, सबको लर्न है ना? यस, किसान के पास 2 बैल थे और उनके नाम क्या क्या थे? एक का नाम था रत्ना और दूसरे का नाम था पन्ना। उत्तर क्या है स्टूडेंट्स हमारा? किसान के पास 2 बैल थे, रत्ना और पन्ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रत्ना और पन्ना किसके लिए परिश्रम करते थे? रत्ना और पन्ना जो 2 बैल थे वो किसके लिए काम करते थे, किसके लिए परिश्रम करते थे? उत्तर, रत्ना और पन्ना किसान के लिए परिश्रम करते थे। रत्ना और पन्ना बैल जो थे वो अपने मालिक के लिए, किसान के लिए परिश्रम करते थे, काम करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किसान मुर्गी को क्या क्या खिलाता था? किसान जो मुर्गा खरीद कर लाया था उसको वो क्या क्या खिलाता था? उत्तर, किसान मुर्गी को चना और दाना खिलाता था। किसान मुर्गी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता था, जिसमें वो और भी क्या खिलाता था, चना और दाना भी खिलाता था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अंत में रत्ना बैल ने पन्ना बैल से क्या कहा? जब पन्ना बैल यह देखकर बहुत परेशान हो रहा था कि किसान मुर्गी से कोई काम भी नहीं कराता है और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने को देता है, जब उसने अपनी यह परेशानी रत्ना बैल से बताई तब रत्ना बैल ने उसको समझाते हुए क्या कहा? यस, अंत में रत्ना बैल ने पन्ना बैल से कहा कि किसान अवश्य ही किसी कारणवश मुर्गी को मोटा कर रहा है। रत्ना बैल ने क्या कहा कि जरूर ही इसके पीछे कोई कारण है, जो किसान मुर्गी से कोई काम भी नहीं कराता और उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाकर मोटा किए जा रहा है। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। अंत में रत्ना बैल ने पन्ना बैल से कहा कि किसान अवश्य ही किसी कारणवश मुर्गी को मोटा कर रहा है। क्लियर? लास्ट स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं या हमें जो भी मिल रहा है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, किसी दूसरे की किसी भी चीज़ को देखकर या किसी दूसरे की खुशी से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। प्रश्न का, किसान के पास कितने बैल थे उनके नाम लिखो। उत्तर, किसान के पास 2 बैल थे, रत्ना और पन्ना। क्लियर? नेक्स्ट, रत्ना और पन्ना किसके लिए परिश्रम करते थे? उत्तर, रत्ना और पन्ना किसान के लिए परिश्रम करते थे। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किसान मुर्गी को क्या क्या खिलाता था? उत्तर, किसान मुर्गी को चना और दाना खिलाता था। नेक्स्ट, अंत में रत्ना बैल ने पन्ना बैल से क्या कहा? उत्तर, अंत में रत्ना बैल ने पन्ना बैल से कहा कि किसान अवश्य ही किसी कारणवश मुर्गी को मोटा कर रहा है। लास्ट स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी हिंदी पल्स की कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन में आपको पार्ट 8 की रीडिंग करा दी थी जिसका क्या नाम है? ईद उल फितर।
आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48 पे हमारा प्रश्न दो है. स्टूडेंट प्रश्न एक जो था वो हमारा मौखिक प्रश्न था, उसको हमने चैप्टर रीडिंग के टाइम आपको एक्सप्लेन किया था. प्रश्न दो देखते हैं. सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके कुछ विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं. जो हमारा सही है उसको हमें उसके सामने सही का निशान लगाना है. क्लियर? पहला है स्टूडेंट्स, ईद से पहले सभी मुसलमान डैश दिन तक रोजे रखते हैं. पहला क्या है हमारा, ईद से पहले सभी मुसलमान डैश दिन तक रोजे रखते हैं. कितने दिनों तक रोजे रखते हैं ईद से पहले सभी मुसलमान? ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा 20, 30 या 40. रोजे जो रखते हैं वो कितने दिनों तक रखते हैं? 20 दिनों तक रखते हैं, 30 दिनों तक रखते हैं या 40 दिनों तक? यस, मुसलमान 30 दिनों तक रोजे रखते हैं. हमें इसको टिक करना है और हमारा जो यहाँ पे ब्लैंक है उसमें हमें फिल भी करना है. ओके हमारा ये कंप्लीट हो गया. ईद से पहले सभी मुसलमान 30 दिन तक रोजे रखते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ईद के दिन घरों में क्या बनाया जाता है? ईद के दिनों जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक त्योहार का अपना कुछ विशेष पकवान होता है, उसी तरह से ईद के दिन क्या बनाया जाता है घरों में? ईद का विशेष पकवान क्या होता है? सेवइयां, पूड़ी या रसमलाई? यस, ईद का प्रमुख पकवान, जो विशेष पकवान होता है वो क्या है? सेवइयां है. ईद के दिन घरों में क्या बनाया जाता है? हमारा सही विकल्प क्या है? सेवइयां. क्लियर? और लास्ट है स्टूडेंट्स, इस दिन बच्चों को घर के बड़े लोगों से ईदी के डैश मिलते हैं. ईद के त्योहार पर जो घर के बड़े होते हैं वो बच्चों को ईदी के क्या देते हैं? खिलौने देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं या पैसे देते हैं? ईदी के क्या मिलते हैं? यस, ईदी के पैसे मिलते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना है? पैसे. ओके वैसे हमारा ये भी कंप्लीट हुआ. इस दिन बच्चों को घर के बड़े लोगों से ईदी के पैसे मिलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, हमारी पार्ट 8 की जो प्रश्न 2 था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है. इस पार्ट का जो रेस्ट है, रेस्ट पोर्शन है, एक्सरसाइजेस है, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. आपको ये एक्सरसाइजेस अपनी वर्कबुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में फिल करनी है. जो भी क्वेश्चन आंसर्स बताए गए हैं चैप्टर नंबर 7 के, उसको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लिखना है. और जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहना है, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन विद रेस्ट एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 8. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.